दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, यदि आप सुबह सोकर उठते हैं और आपके पैरों के नीचे जमीन ही रह रहे, क्या पृथ्वी के अलावा ऐसा और कोई ग्रह है जिसमें हमारा जीवन संभव हो सकता है? इसके बारे में क्या आपने कभी सोचा है? अगर आपके दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इन सभी सवालों का आपका आंसर मैं दूंगी यहाँ पे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल PCM विद दिव्या में। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही अनोखे क्वेश्चन के आंसर्स जानेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं, मंगल ग्रह हमारे पृथ्वी के जैसा ही एक ग्रह है। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में हमारे धरती के बाद लगभग चौथे स्थान पर ही स्थित है। हमारे ग्रह की तरह मंगल ग्रह भी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। मंगल ग्रह सूर्य का एक चक्कर 686 दिनों में पूरा करता है। इसके अलावा अपनी दूरी पर मंगल ग्रह एक चक्कर धरती के तुलना में लगभग बराबर समय में यानी कि 24 घंटे में पूरा कर लेता है। इसके बाद अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यह आता है कि क्या मंगल ग्रह पर वायुमंडल संभव है? तो इसका कई साल से वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है और यह पता लगाया है कि मंगल ग्रह पर वायुमंडल मौजूद है। इसमें सबसे ज्यादा लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.7% नाइट्रोजन, 1.6% आर्गन और 0.13% ऑक्सीजन है। इस तरह से धरती की तरह वहाँ भी अलग अलग गैसें पाई जाती है। मंगल ग्रह पर वायुमंडल बहुत ही विरल है। वायुमंडल होने के बावजूद मंगल ग्रह लाल क्यों दिखता है? हमारी पृथ्वी में तो वायुमंडल है, लेकिन वो क्यों लाल नहीं है? तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। हमारे सौरमंडल के 9 ग्रहों में से मंगल ग्रह का नंबर सूर्य से दूरी के मामले में चौथा है। बुध और शुक्र जैसे ग्रहों को सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद देखा जा सकता है, लेकिन मंगल ग्रह को साल में केवल 1 या 2 माह ही देखना संभव होता है। शुक्र के बाद सबसे चमकीला ग्रह जो है वो मंगल है। अपने लाल पीले रंग के कारण यह एकदम अलग नजर आता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल ग्रह की सतह का 70% हिस्सा लाल और पीला पाया गया है। ये क्षेत्र लगातार आकार बदलते रहते हैं। मंगल ग्रह पर लोहा मिश्रित कई चट्टाने हैं। वहाँ लाल भूरे रंग के मरुस्थल भी हैं। इस ग्रह पर 400 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलती है। तूफान के कारण बड़ी मात्रा में लाल रेत उड़ती है। चूँकि मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल कम है, इसलिए धूल के कण वातावरण में कई सप्ताह तक फैले रहते हैं। इस कारण मंगल ग्रह हमें लाल संतरे के समान दिखाई देता है। अब इसके बाद आता है कि क्या मंगल ग्रह में भी उपग्रह पाया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिनका नाम है फोबोस और डीमोस। डीमोस उपग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया नाम का पर्वत भी है जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो दोस्तों, ये थी मंगल ग्रह के बारे में कुछ अनोखे सवाल और उनके जवाब। अगर आप ऐसे ही अनोखे सवाल और उनके जवाब जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे चैनल PCM विद दिव्या के साथ। अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और जानें ऐसे ही सवाल और जवाब के आंसर।